गुड मॉर्निंग। आज हम डबल सॉर्ट्स एंड कॉम्प्लेक्स सॉर्ट्स दोनों में डिफरेंस की बात करेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस होते हैं। तो फर्स्ट डिफरेंस जो है, डबल सॉर्ट्स को जो हम फॉर्म करते हैं तो दे यूजुअली कंटेन टू सिंपल सॉर्ट्स इन इक्विमोलर प्रोपोर्शन। तो डबल सॉर्ट्स जो है वो सिंपल सॉर्ट्स जब इक्विमोलर प्रोपोर्शन में मिक्स होते हैं तो डबल सॉर्ट्स का फॉर्मेशन करते हैं, और जबकि हमारा जो कॉम्प्लेक्स सॉर्ट्स होता है, द सिंपल सॉर्ट्स विच दे आर फॉर्म्ड मे और मे नॉट बी इन इक्विमोलर प्रोपोर्शन। तो कॉम्प्लेक्स सॉर्ट्स हमारे इक्विमोलर प्रोपोर्शन में हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। अगर हम एक एग्जांपल देखते हैं, कार्निलाइट, ये होता है KCl.MgCl2.6H2O, ये उसका फॉर्मूला होता है। तो इसका मतलब है कि 1 मोल पोटेशियम क्लोराइड, 1 मोल मैग्नीशियम क्लोराइड, तो ये मिलके कार्निलाइट जो है वो बना रहा है। इसका मतलब 1 मोल का मतलब है कि हम KCl का मास पोटेशियम का 39 एंड ये 35.5, इतने ग्राम को हम 1 लीटर वाटर में डिसॉल्व करा दें तो ये 1 मोल KCl तैयार हो जाएगा। फिर हम क्या करें, ऐसे यहां पे मैग्नीशियम क्लोराइड की बात करें, मैग्नीशियम क्लोराइड का 1 मोल कैसे तैयार होगा, मैग्नीशियम का मास 24 होता है, क्लोरीन का मास 35.5 × 2। जब हम इतने ग्राम को 1 लीटर वाटर में डिसॉल्व कराते हैं तो 1 मोल मैग्नीशियम क्लोराइड जो है वो तैयार होता है। हम दोनों सॉल्यूशन को हम मिक्स कर देते हैं और फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, दोनों को क्या कर दिया, एक बीकर में मिक्स कर दिया, ये दोनों के दोनों इसमें ऐड कर दिए। अब इसको क्या करेंगे, हम एवोपरेट करेंगे। तो एवोपरेट करोगे तो एक नए क्रिस्टल का जन्म होता है जो कार्निलाइट कहलाता है, KCl.MgCl2.6H2O, ये क्रिस्टल जो है वो बनता है। जो हमारा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होता है वो इक्विमोलर प्रोपोर्शन में हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं KCN प्लस AgCN, ये 1 मोल ले लें हम और ये भी 1 मोल ले लें, और 1 मोल ये कैसे बनेगा, एक बीकर लें इसमें 1 लीटर हम वाटर ले लें, पोटेशियम का मास कितना होता है 39, कार्बन का मास 12 और नाइट्रोजन का मास 14, तो इतने ग्राम पोटेशियम साइनाइड को हम 1 लीटर वाटर में डिसॉल्व करा दें तो 1 मोल KCN जो है वो तैयार हो जाएगा। इसी प्रकार 1 लीटर वाटर ले लें और इसमें सिल्वर का मास 108 होता है प्लस कार्बन का 12 और नाइट्रोजन का 14, इतने ग्राम को हम 1 लीटर वाटर में डिसॉल्व करा दें तो AgCl का 1 मोल तैयार हो जाएगा। फिर इन दोनों सॉल्यूशन को जो है एक बड़े बीकर में जो है वो मिक्स करा देते हैं, मिक्स करा दिया, इसको डाल दिया इसमें और इसको भी इसमें डाल दिया। फिर क्या करेंगे, इसको हम एवोपरेट करेंगे तो हमारा जो है KCN.AgCN का कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स जो है वो बन जाएगा, इसके एवोपरेशन से ये बनेगा। अब ये जो सॉल्ट है और ये जो सॉल्ट है इसमें डिफरेंस क्या है, ये ऐसे अरेंज होता है कि AgCN होल ट्वाइस, ये सॉल्ट्स जो है वो ऐसे अरेंज होता है। तो यहां पे तो ये क्या है, ये इक्विमोलर प्रोपोर्शन में है। फिर हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, 4KCN प्लस FeCN होल ट्वाइस, ये यहां पे 4 मोल है और ये यहां पे 1 मोल है, तो 4 मोल इसका और 1 मोल इसका, जहां मिक्स करते हैं
तो हमारा जो सॉल्ट बनता है 4KCN.FeCN2, ये सॉल्ट बना। ये सॉल्ट जो है वो ऐसे अरेंज होता है K4FeCN6, तो ये सॉल्ट जो है वो ऐसे अरेंज होता है। तो दोनों का जो सेकंड डिफरेंस होता है डबल सॉल्ट का, द आयंस प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट आर ऑब्टेन्ड व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। तो वो कहता है कि डबल सॉल्ट में वही आयन बनते हैं जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट में रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, कार्डिलाइट जो है वो KCl.MgCl2.6H2O, ये उसका फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मेशन होता है जब 1 mole KCl 1 mole MgCl2, इसको हम मिक्स करते हैं। तो KCl में K पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन है, MgCl2 में Mg डाई पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन है। दोनों को हमने मिक्स किया तो KCl.MgCl2.6H2O बना, मतलब कार्निलाइट आपका बना। तो इस कार्निलाइट में K पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Mg डाई पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, ये आयंस जो है रहेंगे। तो इसमें वही आयंस हैं जो कि इसके कॉन्स्टिट्यूएंट में प्रेजेंट थे। तो डबल सॉल्ट्स के जो आयन है वो वही आयन से रहते हैं जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट में प्रेजेंट होते हैं, जबकि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स में ऐसा नहीं होता। सेम आयंस प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट आर नॉट ऑब्टेन्ड व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, तो सेम आयन नहीं मिलते हमको। फॉर एग्जाम्पल K4FeCN6, इसको हम पोटेशियम फेरोसाइलाइट बोलते हैं। ये बनता कैसे है, ये KCN से बनेगा और ये FeCN उल्टा से बनेगा, पोटेशियम साइनाइड एंड आयरन साइनाइड से बनेगा। यहाँ पे पोटेशियम आयन और CN नेगेटिव आयन है, यहाँ पे आयरन मतलब Fe+2 है और CN नेगेटिव आयन है। जब दोनों को हमने मिक्स किया तो K4FeCN6 का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे हम आयन देख लेते हैं, एक तो K पॉजिटिव आयन है और दूसरा है FeCN6-4, ये एक कॉम्प्लेक्स आयन है। तो ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बना है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना है, इसमें आयरन आयन जो है वो एब्सेंट है, इसमें CN नेगेटिव आयन है वो एब्सेंट है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट में Fe+2 और CN नेगेटिव आयन तो प्रेजेंट है, लेकिन जब हमारा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बना तो ये आयन्स जो थे वो एब्सेंट हो गए, एक नया ही आयन बना जो कॉन्स्टिट्यूएंट में प्रेजेंट नहीं था। इस कारण इसको हम क्या बोलते हैं, ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स है। तो थर्ड नंबर का डिफरेंस है, दे एग्जिस्ट ओनली इन सॉलिड स्टेट, इन एक्वस सॉल्यूशन दे लूज देयर आइडेंटिटी। तो सॉलिड स्टेट में तो ये स्टेबल होते हैं, लेकिन जैसे ही इनको वाटर में डाला जाता है ये अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देता है। ये हमारा कार्डिलाइट होता है जो KCl और MgCl2 से बना होता है। सपोज कि KCl का जो क्रिस्टल है वो ट्रायंगल टाइप का है, इसका स्क्वायर टाइप का है। तो जब दोनों को मिक्स किया हमने और फिर इसको इवोपरेट किया, तो इवोपरेशन के बाद सपोज कि इसका एक अलग ही टाइप का क्रिस्टल्स जो है वो बनेगा, जो इन दोनों क्रिस्टल से क्या होगा, अलग होगा। तो हम मानते हैं कि एक अलग कंपाउंड बना, एक नया कंपाउंड बना। लेकिन सॉलिड स्टेट में तो ये एग्जिस्ट करता है, लिक्विड स्टेट में डालोगे, जैसे इसको आप वाटर में डालोगे, ये अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देगा, ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट में ब्रेक हो जाएगा। जबकि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स में ऐसा नहीं होता है, दे एग्जिस्ट सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन एक्वस सॉल्यूशन, दे डज नॉट लूज देयर आइडेंटिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। तो KCN और FeCN होल ट्वाइस से K4FeCN6 ये बना था पोटेशियम फेरोसाइनेट। सॉलिड स्टेट में भी उसमें यही आयन रहेंगे और एक्वस सॉल्यूशन में भी उसमें यही आयन रहते हैं, ये अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करता। इसको एक्वस सॉल्यूशन में डिजोल्व करने पे ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट में ब्रेक नहीं होता, इस कारण ये अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करता है। तो डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स में जो फोर्थ जो डिफरेंस है, दे आर आयनिक कंपाउंड्स एंड डू नॉट कंटेन एनी कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये आयनिक कंपाउंड होते हैं, इनमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है वो एब्सेंट होता है। हम एग्जांपल देख लेते हैं, ये कार्निलाइट होता है, इसमें पोटेशियम आयन, क्लोरीन नेगेटिव आयन है, मैग्नीशियम आयन है और क्लोराइड आयन है।
इस ये जो है NH4 होल्ड है जैसे 4.FeSO4.6H2 ये मोहर सॉल्ट कहलाता है। इसमें अमोनियम आयन है, सल्फेट आयन है, इसमें आयरन प्लस 2 है और सल्फेट आयन है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दे मे और मे नॉट बी आयनिक बट द कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑलवेज कंटेन कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मतलब ये आयनिक हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते लेकिन इनमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट होगा ये तय है। हम एग्जांपल देखते हैं K4FeCN6, इसमें पोटेशियम आयन है और FeCN6 -4 आयन है, तो यहां पे कॉम्प्लेक्स आयन जो है वो नेगेटिवली चार्ज है। इसका मतलब है ये जो कंपाउंड होगा हमारा ये एन आयनिक कॉम्प्लेक्स कहलाएगा क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्स आयन जो है वो एन आयन है। ये जो कंपाउंड है ये इस तरीके से आयनाइज होगा, CONH3+3 प्लस 3 का चार्ज है और 3Cl नेगेटिव, तो जो हमारा कॉम्प्लेक्स आयन जो है वो कैटायन है, इस कारण ये जो है वो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। NiCO4 ये आयनाइज नहीं होता, तो इसका मतलब है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स आयनाइज हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते लेकिन इनमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होगा वो जरूर होगा। तो आयरन प्लस 2 के साथ 6CN जो है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, कोबाल्ट प्लस 3 के साथ 6 अमोनिया जो है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे और Na के साथ 4 कार्बोनाइल जो है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। जो इसका 5th डिफरेंस है, इन अ डबल सॉल्ट द मेटल आयन शोस देयर नॉर्मल वैलेंसी, तो यहां पे मेटल आयन अपनी नॉर्मल वैलेंसी में होते हैं। हम एग्जांपल देखते हैं एलन K2SO4.Al2SO4 होल थ्राइस.24H2, तो यहां पे मेटल आयन के पॉजिटिव, पोटेशियम हमेशा प्लस 1 ही बनाता तो प्लस 1 ही रहेगा, एल्यूमिनियम प्लस 3 बनाता तो प्लस 3 में ही रहेगा। तो डबल सॉल्ट्स में मेटल जो है अपनी नॉर्मल वैलेंसी में होते हैं जबकि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स में जो होता है सेंट्रल मेटल एटम होता है उसकी 2 वैलेंसी होती है, एक तो प्राइमरी वैलेंसी होती है और दूसरा सेकेंडरी वैलेंसी होती है। प्राइमरी वैलेंसी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाती है और सेकेंडरी वैलेंसी उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाती है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इन अ कोऑर्डिनेट कंपाउंड द मेटल आयन सैटिस्फाइड इट्स 2 टाइप ऑफ वैलेंसीज कॉल्ड प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। तो ये CONH3 होल 6 ब्रैकेट क्लोज Cl3, ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ये CO Cl3+6 अमोनिया मॉलिक्यूल से जो है वो बना है। तो यहां पे कोबाल्ट जो है प्लस 3 में है, तो कोबाल्ट जो है प्लस 3 में तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया प्लस 3, तो प्राइमरी वैलेंसी कितनी हो गई प्लस 3 और सेकेंडरी वैलेंसी क्योंकि यहां पे कोबाल्ट जो है 6 अमोनिया के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनाएगा, अभी देख लेते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनाएगा। यहां पे ये CO प्लस 3 में है तो ये अमोनिया के साथ जो है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो ये जो है ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बन गया। तो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो इसका सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हो गई 6 और प्राइमरी वैलेंसी कितनी हो गई 3। प्राइमरी वैलेंसी को आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ये हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट हम x मानेंगे पता नहीं है, अमोनिया 0 होता है इंटू 6 है तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस क्लोरीन की -1 होती है इंटू कितने क्लोरीन है 3 क्लोरीन है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 0 आएगा तो x इक्वल टू जो है आपका प्लस 3 हो जाएगा। तो यहां पे कोबाल्ट जो है वो प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो हम कोबाल्ट की प्राइमरी वैलेंसी वही वैलेंसी होती है जो उसके नॉर्मल सॉल्ट की वैलेंसी होती है, जिस सॉल्ट से कोऑर्डिनेट कंपाउंड बना है जिस नॉर्मल सॉल्ट से कोऑर्डिनेट बना है तो नॉर्मल सॉल्ट की जो वैलेंसी होगी वही कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की प्राइमरी वैलेंसी जो है वो कहलाती है।